अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो न्यूयॉर्क की टीम के साथ मैं हूं शहबाज़ हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि इसराइल और फ़लस्तीन की आपस में जंग है, मगरिब ममालिक सारे इसराइल के साथ हैं, लेकिन हमारा इस्लामी ममालिक की चीज़ पर खामोश है। इस्लामी ममालिक में सिर्फ एक ममालिक है ईरान, जिसने साथ हैं, अगर आप ये करेंगे तो हम ये भी करेंगे, इवन के वो भी पाबंदियों में है। तो हमारे दूसरे मालिक जो है इस्लामी मालिक, वो क्यों खामोश है? तो आज हम लोगों से यही पूछेंगे, क्या वो इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है? अगर मौका मिले जी जहाज पर जाना है, तो हमारी आवाम क्या कहती है इसके बारे में? तो देखते हैं लोग हमें क्या कहते हैं। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जी जहाज के लिए तैयार हो जाओ तो क्या करोगे? पहले तो ये तैयार हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तैयार हैं? हाँ जी तैयार हैं। जिंद जान भी मार बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप तैयार हैं? हो रही है तैयार, दिल राजी हो रहा है। आपने ऐसी पहली दफा बात की है हमारे साथ। ऐसा ही है। हाँ हम जाएंगे, जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? हमारे तो उम्र भी काफी है, लेकिन जहाज के लिए बच्चे अपने तैयार करेंगे। अच्छा, जहाज के लिए? जहाज के लिए बच्चे तैयार करेंगे। हाँ हमें मौका दें, हमें मौका दें। ठीक है, तैयार हैं जी। फलस्तीन की जंग है, मालिक साहब वो इसके बारे में खामोश है, आप क्या कहते हैं? हम तो तैयार है जंग लड़ने। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। जिन जान दा रोना है? जिन जान हम जान दे देंगे फलस्तीन वास्ते। फलस्तीन वास्ते हमारी गवर्नमेंट ने इस पे कुछ करी? गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को हम क्या करे, गवर्नमेंट करे चाहे ना करे, हम जान देने को तैयार। मैं कहता हूँ की आवाज उठानी चाहिए इस बारे में, बात उठानी चाहिए, यानी फलस्तीन के हक में। पाकिस्तान ने बोला, अपनी गवर्नमेंट के लिए क्या कहेंगे? हम गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ सारे मुसलमान बैठे हैं फलस्तीन में। अगर आपको मौका मिले जहाज पे जाने का गवर्नमेंट के, मैं जरूर जाऊंगा इंशाल्लाह। कि जंग के बारे में क्या मौका आपका? बस जी अच्छी बात नहीं है, उधर हमें जाना चाहिए इंशाल्लाह, मौका मिलेगा इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे। मतलब मौका भी यही है की जो से हमारी फौज है उसको आर्मी को उधर भेजना चाहिए। अब वो बिल्कुल मुश्किल हालात है उनके, आसान भी होती है, मुश्किल भी हर किसी पे आती है, ये तो अल्लाह की तरफ से होती है। ऐसे ही है, अब उनका बुरा वक्त है तो बिल्कुल हमें साथ देना चाहिए उनका। इस्लामी मालिक का भाई है, सब मुसलमान एक जूस जैसे होते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट के जी आम आवाम भी तैयार हो जाए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं, जरूर। तो पता नहीं कोई पैसा वगैरह लगा हुआ, क्या मसला है? ये इनकी बात ही नहीं सुनते, समझते नहीं है इन चीज को क्या है। पाकिस्तान भी नहीं बोला है चीज में, कोई बयान नहीं आया हमारे पाकिस्तानी की तरफ से भी। इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बनी हुई है इस बात के लिए, किधर का फैसला करें या कोई आ नहीं है इस बात पे। अच्छा, इसराइल और फलस्तीन का जो कोलिजन जारी है, इस्लामी में मीडिया सारा खामोश है, इस्लामी ममालिक खामोश है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए जी, इसमें फलस्तीन के साथ सारे मुसलमानों को जुड़ जाना चाहिए, यही मौका होता है। तो इसमें सब लोग, सब मुसलमानों को इनका साथ देना चाहिए। जो जुल्म और बर्बरियत उन्होंने इसराइल ने उसकी अखीर की हुई है, इसमें सब मुसलमानों को मिलके फलस्तीन का साथ देगी। पाकिस्तान नहीं बोला इसके बारे में। इसमें फलस्तीन के साथ पाकिस्तान हो या कोई भी मालिक हो, ये तमाम सिर्फ कॉन्फ्रेंसिस तक या बोलने तक तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी मुल्क उसमें साथ नहीं दे रहा। तो उसमें चाहिए पाकिस्तान को अपना हर फॉर्म पे इसकी आवाज उठाए। अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है जी आवाम, आम आवाम तैयार हो जाए, तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। असी जी आवाम जी है ना जी, असी तैयार हैं लड़ने वास्ते भी, मरने वास्ते भी तैयार हैं, उनने वास्ते बोल तैयार है। हुकूमत को चाहिए उनका साथ दें। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ मौलवियों का हक नहीं है, मौलवी निकले हुए हैं, जलसा वगैरह कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सिर्फ उनका हक नहीं, ये हमारी हुकूमत का हक है, हमारी आवाम का हक है, और उनका साथ देना चाहिए। मेरा मौकफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, उनके बारे में एहसास नहीं है। उनको, पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो हमारे फलस्तीनी मुसलमान भाई हैं, उनकी हेल्प करें। जो हमारे, हम, मैं अपने अपना
अपील करता हूँ आर्मी चीफ से, उन्हें चाहिए कि फलस्तीन भाइयों की मदद करें कि उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उनका रोका जाए। पाकिस्तान गद्दारी कर रहे हैं, पाकिस्तान गद्दारी कर रहे हैं, की करना चाहिए, मुसलमानों का साथ देना चाहिए। साड़ी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? गवर्नमेंट मजबूर हुई हुई है। किस चीज देता है? खुद इसराइल दे वक्त लगी हुई है। तो जैसा कि नाज़रीन आपने हमारे लोगों के रिव्यूज देखे, ऐसे पे मुसलमान हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो इस पर गौर व फिक्र करें और इस मुश्किल वक्त में अपने फलस्तीनी भाइयों का साथ दें, जितना भी हो सकता है हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएँ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।